कोरबा में टोटल लॉकडाउन के बीच एक राहत भरी खबर आई है। अब शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को खोलने की अनुमति जिला प्रशासन ने दे दी है। सोसाइटी खुलने से हितग्राहियों को मिली राहत। लॉकडाउन में कोविड गाइडलाइन का पालन कर किया गया खाद्यान्न वितरित। लॉकडाउन के दौरान सोसाइटी भी बंद कर दिए गए थे। अधिकांश हितग्राही ऐसे थे जो शासकीय खाद्यान्न से ही गुजर बसर करते हैं। लॉकडाउन लगने से पहले वे खाद्यान्न नहीं ले पाए थे। ऐसे में उनके सामने विकट स्थिति निर्मित हो गई थी। आखिर प्रशासन ने हितग्राहियों को राहत देते हुए सोसाइटी खोलने का आदेश दिया। आदेश के तहत जिले के पीडीएस दुकानों में खाद्यान्न वितरण होने से हितग्राहियों को राहत मिली। जिले में 17 अप्रैल से पीडीएस प्रणाली से संचालित उचित मूल्य की दुकानें खोलने आदेश दिया गया है। कलेक्टर किरण कौशल ने जारी आदेश में सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक सोसाइटी खोलने की छूट दी है, जिसके तहत शनिवार को राशन दुकानों के पट खुले। प्रशासन के गाइडलाइन के अनुरूप खाद्यान्न लेते समय संचालक को कोविड नियमों का पालन कराना होगा। हम आपको बता दें कि कई परिवार ऐसे हैं जो रोज कमाने खाने वाले हैं, रोजी मजूरी कर जीविका चलाते हैं, लेकिन लॉकडाउन में भी काम बंद होने से परेशान हैं। सोसाइटी के राशन से ही कई बीपीएल परिवारों का गुजारा चल रहा है, जो हर माह उचित मूल्य पर राशन उठाते हैं। प्रशासन ने इन्हें लॉकडाउन में राहत दी है। हितग्राहियों को टोकन जारी कर खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया, ताकि सोसाइटी में हितग्राहियों की भीड़ न लगे। अभी लॉकडाउन में 7 से 12 तक का टाइम दिया गया हम लोग को शासन की तरफ से, और वितरण का सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें इसलिए सर्कल बना दिया गया है, और दूर दूर खड़े होकर सबको मास्क लगाना जरूरी है। हितग्राहियों को बोला गया है कि उनको मास्क लगा के ही अंदर आए। सैनिटाइजर की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, और शासन की तरफ से सब पूरा ध्यान रखने की कहा गया हम लोग को, और हम सोसाइटी वाले वैसे ही कर रहे हैं। सामान सब है, सिग्निटी तेल नहीं है अभी, चावल शक्कर चना नमक सब वितरण किया जा रहा है, और मैक्सिमम लोग ले गए हैं, 30% ही बचे हैं, और उतनी भीड़ तो आ नहीं रही है। टोकन है रखे हैं, लेकिन उतनी भीड़ नहीं है कि टोकन की जरूरत नहीं पड़ी, टोकन हमारे पास अवेलेबल है अभी। शासन से गाइडलाइन आया है कि बिल्कुल दूर दूर में गोल घेरा बना करके वितरण करना है, और मास्क जरूरी है, और सैनिटाइजर साबुन वगैरह सब सुनिश्चित किया गया है, और मास्क भी दे रहे हैं। मास्क पहन कर नहीं आया है उसको मास्क भी, लगभग लगभग 80-85% लोग ले गए हैं, 10-15% लोग बचे हुए हैं। आराम से वितरण हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सभी सामान है, चावल शक्कर नमक चना शासन का अनुसार सब कुछ है। नहीं बिल्कुल शासन का जो गाइडलाइन है उसी अनुसार वितरण करते हैं। दूर दूर घेरा बनाकर टोकन सिस्टम टोकन से वितरण कर रहे हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं लग रहा है, आराम से वितरण हो रहा है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट।